एक अमीर हेल्दी और खुद मुख्तार सोच रखने वाली यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली नेशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एजुकेशन सिस्टम में ना तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है ताकि आप अमीर ना हो सको, ना आपको हेल्थ एजुकेशन दी जाती है ताकि आपको बार बार मेडिकल ट्रीटमेंट्स और मेडिसिन की जरूरत पड़ती रहे, और ना ही आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखाया जाता है। आपने कभी सोचा कि स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो हमें सिलेबस स्टडी करवाया जाता है उसका कोई मतलब नहीं है? एजुकेशन सिस्टम में जो सिलेबस हम स्टडी करते हैं ना तो वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है और ना ही उसका किसी जॉब से कोई लेना देना होता है। सोचने वाली बात है कि क्या हमारा सिस्टम पागल है, हमारी गवर्नमेंट अनएजुकेटेड है जो अपने सिटीजंस को फजूल और आउटडेटेड सिलेबस स्टडी करवा रहे हैं? हमारा सिस्टम, हमारी गवर्नमेंट पागल नहीं है, पागल हम लोग हैं और हमें पागल बनाया जा रहा है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हमें 20 से 22 साल जो एजुकेशन दी जाती है वो हमें ब्रेन वॉश करने के लिए डिजाइंड है, वो हमें स्लेव माइंडसेट बनाने के लिए डिजाइंड है। 20 से 22 साल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में हमें सिर्फ तीन चीजें सिखाई जाती हैं, पंक्चुअलिटी, ऑर्डर के हिसाब से चलना और सिस्टम से डरना। अब आप पूछोगे कि यार ये तीन चीजें हमें सिखाकर गवर्नमेंट को सिस्टम को क्या मिलेगा? ये तीन चीजें हमें सिखाकर सिस्टम को मिलेंगे मजबूर मिडिल क्लास, ज्यादा ना सोचने वाले, ऑर्डर के हिसाब से चलने वाले, सिस्टम से डरने वाले वफादार एम्प्लॉयज, क्योंकि सिस्टम की ही बनाई हुई कंपनीज में बहुत ही कम सैलरी पे मरते दम तक काम करते रहेंगे।